इंदौर में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसारे हुए है, लेकिन अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयां इंजेक्शन परिजनों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते इंदौर शहर में मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। वहीं कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला द्वारा लगातार अस्पतालों का दौरा कर ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था में जुटे हैं। इसी कड़ी में विधायक सेवा कुंज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ ही राधास्वामी आश्रम में बनाए जा रहे कोविड सेंटर की पोल भी खोलकर रख दी। 300 बेड रेडी हैं, HDU बेड, ICU सभी रेडी है, स्टाफ रेडी है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट सभी रेडी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो प्लांट है वो रिफिल नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट लेंगे और ऑक्सीजन की अगर उनको ज़रूरत होती है तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते उनको, इसीलिए अभी हम लोग पेशेंट नहीं ले रहे। रोज़ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डेली कोई ना कोई आता ही है और बोलते हैं कि हम कल तक व्यवस्था करा देंगे, बट अभी 20-21 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है ऑक्सीजन। संजय भी अभी नॉर्मल पेशेंट भी आना पड़ रहा है। हाँ, नॉर्मल पेशेंट भी जो OPDs 200-250 थी वो कम हो गई है, 10-12 ही बची है। डिलीवरीज जो नॉर्मल आती थी वो भी अभी डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि पेपर में आ गया है कि सेवा कुंज हॉस्पिटल जो है वो कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, तो अभी सभी को ये पता है कि कोविड सेंटर है, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं जिनको हम ले नहीं पा रहे हैं, बट नॉर्मल पेशेंट जो नॉर्मल डिलीवरीज और ये सब हैं ये नहीं आ रहे हैं। मैडम, ऑक्सीजन के लिए किसी अधिकारी या नेता नगरी में किसी की बात हुई, मंत्री? हाँ, बहुत सारे लोगों से बात हुई, CMHO में भी बात हुई, कलेक्ट्रेट में भी, सब जगह हम लोगों ने यही बोल के रखा है कि जब तक कि ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराएंगे आप, तब तक हम लोग पेशेंट नहीं लेंगे। तक कितने लोग यहाँ पर दौरा कर चुके हैं? 4-5 लोग कर चुके हैं। मैम, यहाँ पर तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर भी आए थे दौरे के लिए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी यही बोला कि हम आपको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे, हम लोग बात करेंगे ऊपर, मंत्री जी से बात करेंगे, CM से बात करेंगे और हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे जल्दी से जल्दी, बट काफ़ी टाइम हो गया बट हो नहीं पाया अभी तक। डॉक्टर मोनिका सोनी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। सेवा कुंज अस्पताल ये लगातार सेवा करता आ रहा है, ये सबसे पहले, इसके पहले जो नॉर्मल पेशेंट थे उनके लिए था ये, जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी हमारे खनाड़िया गांव और इसके आसपास के जितने गांव के लोग यहाँ आ रहे थे, इन लगातार इनकी सेवा हो रही थी, परंतु आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय तुलसी सिलावट, हमारे प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी यहाँ लगातार दौरा करके गए और उनने जब से पेपर में घोषणा करी तो यहाँ नॉर्मल पेशेंट भी आना बंद हो गए। क्यों आना बंद हो गए? इसलिए कि उनको लगा कि कोविड अस्पताल है, परंतु इस अस्पताल के सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहूँगा, L&T ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आगे होकर ऑक्सीजन का तत्काल में इन्हें पूरा टैंक बनवाया और व्यवस्था कराई, परंतु अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी से मांग करने जाऊँगा, मैं आज सबसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ 15 दिन से अस्पताल तैयार है, नर्सें तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं, ऑक्सीजन टैंक तैयार है, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो 300 बेड का पूरा तैयार है परंतु ये व्यवस्था नहीं करी जा रही है। परंतु एक इंदौर के अंदर राधा स्वामी संघ संग है जहाँ 500 बेड के लिए तैयारी लगातार 10 दिन से चल रही है, वहाँ नॉर्मल वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सिर्फ एक सेट बना हुआ, सेट के अंदर सिर्फ बेड लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु सेवा कुंज अस्पताल के अंदर बेड भी तैयार है, ऑक्सीजन मशीन तैयार है, वेंटिलेटर भी तैयार है, बाईपैप भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ और मैं आदरणीय शिवराज जी से तत्काल बात करूँगा, इंदौर के प्रभारी महाराज तुलसी सिलावट जी से बात करना चाहूँगा कि आप लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं और सब लोग आदरणीय उषा ठाकुर दौरा कर रहे हैं, परंतु यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, यह इंदौर के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ सबसे पहले व्यवस्था कर की जाए, क्योंकि यहाँ सब कुछ तैयार है, वो जो राधा स्वामी जी वो तो तैयार होता रहेगा संसद के समाज के लिए, वो उन लोगों के लिए जो सिर्फ नॉर्मल है, परंतु यहाँ आज की तारीख में ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत है, अस्पतालों में हर अस्पतालों में लाइन लगी हुई है और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही, हज़ारों आदमी मर रहे हैं। कल मैंने शमशानों को भी दौरा करे, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी मैंने लोगों पैसे की व्यवस्था कराई है, कंडे की व्यवस्था कराई, कंडे 10-20 रुपए में मिल रहे हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, मैंने वहाँ की व्यवस्था कराई है। मैं आज आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी मदद कर रहा हूँ, आप लगातार दौरा कर रहे हैं उसके बावजूद यहाँ व्यवस्था नहीं करे, मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तैयार करें, यहाँ हज़ारों लोग जान बच सकती है, आप राधा स्वामी छोड़ के पहले आप यहाँ की व्यवस्था कराएं। मैं खुद अभी आज स्वास्थ्य सारंग जी से बात करूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि सबसे पहले चालू कराएं कि इंदौर का हमारे प्रभारी महोदय और जो बाकी लोग हैं वो लोग सिर्फ दौरा कर रहे हैं और व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। इंदौर के अंदर जो चीज़ें तैयार है, मेरा खुद का नर्सिंग कॉलेज
वो तैयार है, मैं 8 दिन से लगातार बोल रहा हूँ उसको चालू कीजिए, मेरा खुद का हॉस्टल 200 बेड का आप उसको चालू कीजिए, परंतु इंदौर इनको दिखाना कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कोविड सेंटर हम खोल रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दें, सबसे पहले सेवा को अस्पताल चालू कराएं, उसके बाद कोई व्यवस्था कराएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।